Hello everyone, my name is Manisha Vairagi. Welcome to Mlt Education Point. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जीआरडी लैमलिया के बारे में. इसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस. ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि वेजाइनलिस, वेजाइनलिस यानी कि वेजाइना में होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि वो ऐसा पैरासाइट जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो वेजाइनलिस समझ में आ गया हुआ. अब बताए फ्लेजिलेट्स, फ्लेजिलेट्स इसे क्यों कह रहे हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अमीबा, पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं अमीबा के बारे में भी. ठीक है, तो अमीबा में हमने देखा था कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट था. ठीक है, सूडोपोडिया क्या करता है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है अमीबा. किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया के द्वारा. इसमें लोकोमोशन या मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा होता है, फ्लेजिल्ला के द्वारा. इसमें क्या होता है, फ्लेजिल्ला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लेजिलेट्स. ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लेजिलेट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन, दे एग्जिस्ट ओनली ट्रोफोजोइट, यानी कि हमने अभी तक जितने भी पैरासाइट पढ़े हैं सभी में हमने ट्रोफोजोइट, सिस्ट, प्रीसिस्ट, यानी कि मैन को इन्फेक्शन हो रहा था किसके द्वारा, सिस्ट के द्वारा, प्रीसिस्ट के द्वारा. ठीक है, ये सब हमने पढ़े हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो केवल ट्रोफोजोइट में कंप्लीट होती है. और अगर केवल इसकी लाइफ साइकिल ट्रोफोजोइट में कंप्लीट हो रही है तो आपको इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, ट्रोफोजोइट के द्वारा. ठीक है, यानी कि जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन हो रहा है या डिसीज जो ट्रांसमिट हो रही है उसमें जो है वो मेन रोल किसका होगा, ट्रोफोजोइट, यानी कि आपको इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, ट्रोफोजोइट के द्वारा. ठीक है, अब इट्स हैबिटेड इन द जेनाइटल ट्रैक्ट. नाम से समझ में आ रहा है कि वेजाइनलिस, वेजाइना क्या है, एक जेनाइटल ट्रैक्ट है. ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन है, तो ये कहाँ पे होगा, जेनाइटल ट्रैक्ट में. ठीक है, अगर फीमेल में वेजाइना में ये प्रेजेंट है, वेजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में होता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, तो मेन में कहाँ होगा, कहाँ होगा ये भी मैं बताऊँगी. प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल हो गया, यूरेथ्रा हो गया, आगे बताऊँगी. कोज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ऑब्वियसली अगर ये वेजाइना में प्रेजेंट है, मेन के या फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो ही सकती है. ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है. ठीक है, किसके द्वारा होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस. अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो इट इज़ अ पियर शेप. ठीक है, आपको ये शब्द दिखाई दे रहा होगा, पियर तो आप सबने खाए होंगे. ठीक है, तो पियर के जैसे आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है. ठीक है, उसके बाद लेंथ की बात करें हम, तो ये लेंथ इसकी होती है 10 से 30 माइक्रोमीटर. कितनी है, 10 से 30 माइक्रोमीटर. और अगर विड्थ की बात करें तो 5 टू 15 माइक्रोमीटर. ठीक है, इस विड्थ की बात करें तो 5 टू 15 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजाइड इन वेजाइना एंड यूरेथ्रा ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन में, फीमेल में कहाँ पे होंगे, वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में. ठीक है, मेन में मैं बता चुकी हूँ अभी कि मेन में कहाँ हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, सेमाइनल वेसिकल में हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑफ मेन. ठीक है, मेन के प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है, सेमाइनल वेसिकल में होता है, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो सेमाइनल वेसिकल से में भी जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होकर यूरेथ्रा में देन एग्जिस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो स्पर्म जो है वो सब में घूमते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से वेजाइना के थ्रू जो है वो इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, मैन को भी. ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि सेक्सुअल के द्वारा जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकते हैं. ठीक है, शो जर्की और ट्विची मोटिलिटी इन सलाइन. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सलाइन वेट माउंट और आयोडीन वेट माउंट, ठीक है, किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, तो अगर हम सलाइन माउंट अगर करते हैं तो उसमें इसकी मोटिलिटी जो होती है, फ्लेजिल्ला के द्वारा ये मोटिलिटी शो करते हैं, ये मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ये मोटिलिटी कैसे शो करते हैं, जर्की और ट्विची, यानी कि ये जैसे कि ये यहाँ पे ये फ्लेजिल्ला है. ठीक है, तो ये खिंचाव से यानी कि झटके से आगे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, झटके से और हिलते से, जर्की यानी कि झटके से मूव कर रहे हैं और ट्विची यानी कि ऐसे हिलते हुए मूव करते हैं. ठीक है, इट इज़ अ फाइव फ्लेजिला. इसमें कितने फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, फाइव फ्लेजिला. आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि एक दो तीन चार, बोल रहे आपको चार ही फ्लेजिला दिख रहे हैं, एक और कहाँ है. ठीक है, तो बताती हूँ, फ्लेजिला यानी कि फोर फ्लेजिला इसके एंटीरियर ईयर नीचे आगे की साइड प्रेजेंट है, और एक फ्लेजिला आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहीं से निकल रहा है. ठीक है, ये फ्लेजिला जो इसे हम कह रहे हैं रिकरेंट फ्लेजिला. ठीक है, चार जो है वो आगे की साइड है और एक जो है वो लेटरल साइड में है. ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली कि ये लेटरल साइड जो फ्लेजिला, इसे हम कह रहे हैं रिकरेंट फ्लेजिला, और ये चारों जो है ये इसे हम क्या कह रहे हैं, एंटीरियर फ्लेजिला. ठीक है, वो इंटीरियर है और ये लेटरल है. ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, रिकरेंट फ्लेजिला.
अब ये रिकरेंट फ्लैजेला जो होता है ये ट्रांसवर हो रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रांसवर्स हो रहा है, इस तरीके से ट्रांसवर हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन, क्या कह रहे हैं, अनडाइल्यूटिंग अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, क्या कह रहे हैं, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इट हैज़ 5 फ्लैजेला, 4 एंटीरियर एंड 1 लेटरल, ठीक है। एंटीरियर साइड में आपको आगे की साइड 4 दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कह रहे हैं रिकरेंट फ्लैजेला। अब ये रिकरेंट फ्लैजेला जो होते हैं ये ट्रांसवर हो जाती है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन में एंड सपोर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ पेरासाइट बाय कोस्टा, यानी कि ये आपको रिकरेंट फ्लैजेला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ये रिकरेंट है, उसके बाद ये ट्रांसवर हो रही है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन में, ठीक है, इस तरीके से अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन में ये ट्रांसवर हो रही है, और ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है इस सपोर्टेड, इसको सपोर्ट इसको किसके द्वारा मिल रहा है, कोस्टा के द्वारा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये जो लाइन बनी हुई है इसे हम कह रहे हैं कोस्टा, ठीक है। ये क्या करता है, इसको इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, रिकरेंट फ्लैजेला को, कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोस्टा, ठीक है। और ये रिकरेंट फ्लैजेला जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन में, ठीक है, और इसको सपोर्ट किसके द्वारा मिल रहा है, इस कोस्टा के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, उसके बाद आता है इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देख लेते हैं। इसमें एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ बॉडी से जो है वो टेल तक प्रेजेंट है यहाँ तक, ठीक है, एक्सोस्टाइल जो है वो बॉडी से टेल तक प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है इसमें, सिडोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कैरियोसोम, ठीक है, यानी कि ये जो है इसका डिवीजन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, और बाइनरी फ्यूजन में किसके द्वारा होगा, कैरियोसोम के द्वारा, कैरियोसोम किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है, ये मॉर्फोलॉजी हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। इसके लाइफ साइकिल में कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है वो इन्फेक्शन होता है, और केवल ट्रोफोजोइट है तो इसमें कोई स्टेज है ही नहीं सिस्टर की, केवल ट्रोफोजोइट है, उसकी मॉर्फोलॉजी है बस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आपको पहले बता चुकी हूँ, अब इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो पर्सन टू पर्सन ही होगा। अब ये पैरासाइट जो होता है वो ऑब्लिगेट होता है, ऑब्लिगेट मतलब कि यानी कि पर्सन में ही, यानी कि किसी होस्ट के अंदर, यानी कि लिविंग होस्ट के अंदर जो है वो ट्रोफोजोइट जो है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसका डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि बाहर सोइल में, वाटर में, किसी भी चीज़ में, यानी कि बाहर जो है वो आउट ऑफ, मतलब कि पर्सन के अंदर ही केवल इसका ग्रो होगा, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो पर्सन के अंदर ही होगा, ठीक है, ग्रो भी इसके अंदर ही होगा और इन्फेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कि ट्रोफोजोइट इसमें क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, इट इज़ यानी कि ट्रोफोजोइट इज़ ए इन्फेक्टिव स्टेज, कौन से इन्फेक्टिव स्टेज है, क्योंकि इसमें कोई सिस्ट वगैरह प्रेजेंट है ही नहीं, तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी, ट्रोफोजोइट, यानी कि ट्रोफोजोइट जो होगा वो फीमेल के अंदर होगा, रिजर्वियर होगा, फीमेल जो होती है वो रिजर्वियर होती है, तो वो ट्रोफोजोइट होगा उसके अंदर, एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन अगर उसके अंदर ट्रोफोजोइट प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो मैन को भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो फीमेल आर रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल रूट, ठीक है, यानी कि क्या है, इसके फीमेल जो होती है वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, ठीक है, बट उसके अंदर रिजर्वेयर और इन्फेक्शन को रिजर्वेयर करके रख सकती है, ठीक है, और ट्रांसमिटेड हो सकता है किसके द्वारा, सेक्सुअल रूट के द्वारा, या फिर बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेबी जो है वो कहाँ से, वजैना के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि किसके अंदर, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो फीमेल का होगा उसके अंदर जो है वो डिवाइड होगा किसके द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन किसके द्वारा होगा, मैंने बताया था कैरियोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेबी गेट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, मैंने अभी बताया कि बेबी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है इस पैरासाइट से ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, अगर फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड है ट्रोफोजोइट से तो,
ठीक है, वेजाइनल पीएच मोर देन 4.5, ठीक है, अगर पैरासाइट इसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल के अंदर, तो वेजाइना का पीएच जो होता है वो 4.5 यानी कि 4.5 से ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली पीएच कितना होता है, 3.5 to 4.5 होता है, 3 to 4 भी आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल यही होता है, ठीक है। तो अगर ये पैरासाइट यानी कि ट्राइकोनस वेजाइलाइटिस अगर फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि जो जेनाइटल एरिया है, वेजाइना है, वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस वेजाइना का पीएच जो है वो 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 डेज इसका होता है, ठीक है। आप पैथोजेनेसिस की बात करें तो बाइंडिंग टू द वेजाइना वेजाइनल एपिथीलियम बाय ट्रोफोजोइट सिक्रीट एंजाइम एडेसिन्स प्रोटियोलाइटिक आयरन रेगुलेटेड प्रोटीन, यानी कि बाइंडिंग टू द वेजाइनल एपिथीलियम, कहाँ पे प्रेजेंट है ये पैरासाइट, वेजाइना में अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा ये ट्रोफोजोइट जो होता है वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि क्या करता है, उससे उसके एपिथीलियम सरफेस जो होती है वेजाइना की उससे बाइंडिंग कर लेता है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एडिसिन्स हो सकता है, प्रोटियोलाइटिक हो सकता है, या फिर आयरन रेगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है, ये ऐसे एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, इनके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वेजाइना की वेजाइनल एपिथीलियम जो है उससे क्या करेगा, ये बाइंडिंग कर लेगा पैरासाइट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अगर उससे वो ये सारे एंजाइम वो सिक्रीट कर रहा है और अगर एपिथीलियम से बाइंडिंग हो रहा है तो क्या होगा, ये इसके ग्लाइकोजन लेवल को क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल को डिस्टर्ब कर देगा और भी क्या करेगा, वेजाइनल पीएच को भी डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि या तो ज़्यादा करेगा या फिर कम कर सकता है, ठीक है। हार्मोनल लेवल को भी डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, हमारे हार्मोनल लेवल जो भी है, ठीक है, जितने भी हार्मोन जो है हमारे फीमेल के अंदर मेल के अंदर अलग अलग होते हैं तो उनको डिस्टर्ब कर सकता है। इट इज़ अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि लिविंग होस्ट के अंदर ही ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होते हैं, वैसे तो बहुत इजी है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में कुछ नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, वल्वो वेजाइनाइटिस, आईटिस आ रहा है, मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के साथ साथ इसमें ईचिंग भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है वेजाइना में, ठीक है। फॉल स्मेलिंग यानी कि बेकार सी बदबू आने लग जाएगी, ठीक है। प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि येलोइश और ग्रीन कलर का, यानी कि मिल्की जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना में वो आपको कैसा दिखने लग जाएगा, येलोइश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज जो है वो होने लग जाएगा अगर उसमें ये पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या है, ये एक WBC का टाइप से ल्यूकोसाइट से आपको ना समझ में आ रहा होगा कि ल्यूकोसाइट हम किसे कहते हैं, WBC को, ठीक है। तो WBC का टाइप यानी कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल ये हो गया, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो है वो भी आपको दिखने लग जाएगा इस डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आप इसका टेस्ट लगाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद कॉलिप्टिस मस्कुलरिस जो हो सकता है, यानी कि जो वेजाइना म्यूकोसा जो है, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया पे क्या होगा, ये स्वेलिंग यहाँ पे होने लग जाएगी और रेड 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 दाने जो है वो दिख स्ट्रॉबेरी जैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइस्यूरिया यानी कि जो यूरिन जो है उसके साथ साथ आपको जलन भी होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर के बारे में हमने देखा, अब हम बात करते हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। तो क्लियर है आपको, अब हम बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, ट्रोफोजोइट की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा एंटीजन देखेंगे जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजन जो भी हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो एंटीबॉडी के द्वारा हम उस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम वेजाइना से फ्लूइड का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, और उस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमें कब करना है, यानी कि जैसे ही हमने फ्लूइड का कलेक्शन किया तो उससे 10 से 20 मिनट के अंदर 10 टू 20 मिनट ऑफ कलेक्शन, यानी कि 10 से 20 मिनट ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन के 10 से 20 मिनट के अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसका करना है। किसके द्वारा करेंगे, वेट माउंट के द्वारा, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ सलाइन माउंट और आयोडीन माउंट के द्वारा, तो हम इसमें ये ट्रोफोजोइट जो होगा वो किस में डिटेक्ट करेंगे, सलाइन माउंट में, ठीक है। तो वेजाइना और यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यानी कि अगर हम फीमेल का सैंपल अगर ले रहे हैं तो उसमें हम वेजाइना या फिर यूरेथ्रल डिस्चार्ज लेंगे, और अगर मेन का ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे,
मेल के लिए यूरेथ्रा और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन लेंगे, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड हमारी जो है उसके द्वारा सिक्रीशन लेंगे या फिर यूरेथ्रा सिक्रीशन के द्वारा हम इसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसका एग्जामिन किसके अंदर करेंगे, सलाइन माउंट के अंदर, ठीक है। चाहे यूरेथ्रा का मेल का सिक्रीशन ले रहे हो या फिर फीमेल का ले रहे हो, एग्जामिन जो हम किसमें करेंगे, सलाइन माउंट के अंदर करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या डिटेक्ट करें हम, ट्रोफोजोइड की जो जर्की और ट्विची मोटिलिटी जो मैंने आपको बताई थी कि जो इस तरीके के यानी कि ट्विची यानी कि इस तरीके की मोटिलिटी और जो खिंचाव से जो मोटिलिटी चलती है, ठीक है, तो उसको हम किसमें डिटेक्ट करेंगे, सलाइन माउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद परमानेंट स्टेन कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो वो जिम्सा स्टेन यूज़ करेंगे या फिर पेपेनिकुलर स्टेनिंग जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे, ट्रोफोजोइड की मार्फोलॉजी जो है हम इसमें डिटेक्ट करेंगे, एक्रिडिन ऑरेंज फ्लोरोसेंस स्टेन या फिर DFT, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंस स्टेन इन दोनों में हम क्या करेंगे, ट्रोफोजोइड की मार्फोलॉजी का को डिटेक्ट हम करते हैं, ठीक है। सीरोलॉजी में हम एलाइजा में देखते हैं या फिर रिया में देखते हैं, ठीक है। पीसीआर में क्या करेंगे, डिटेक्ट बीटा ट्यूबुलिन जीन, यानी कि बीटा ट्यूबुलिन जीन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, अगर ये वेजाइना में प्रेजेंट है, ठीक है, जो सैंपल हमने कलेक्शन किया है, ठीक है, तो पीसीआर टेस्ट के द्वारा अगर बीटा ट्यूबुलिन जीन यानी कि प्रोटीन अगर उसमें प्रेजेंट है तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो वेजाइना यानी कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कौन से टेस्ट कर सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं, तो कल्चर जो होता है वो 95% सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, ग्रो एट 35 to 37 degrees Celsius अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। इसमें अगर हम उस पैरासाइट को ग्रो करवाते हैं तो हमें 35 to 37 degrees Celsius जो है वो रखना पड़ेगा टेम्परेचर, ठीक है, और अंडर एनारोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम ये पैरासाइट जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में पैरासाइट ग्रो करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनारोबिक, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक, ठीक है। उसके बाद पीएच जो होता है वो फॉर मोर ग्रो 5.5 to 6.0, यानी कि नॉर्मल पीएच मैंने आपको बताया कि 3.5 to 4.5 होता है, अगर उसमें वेजाइना में ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस प्रेजेंट है तो वेजाइना का पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होके कितना हो जाता है, 5.5 to 6.0, ठीक है। तो अगर हम ग्रो करवा रहे हैं कल्चर में तो उसका पीएच जो होता है वो इतना होना चाहिए और टेम्परेचर 35 to 37 degrees Celsius और ऑक्सीजन अब्सेंस होने चाहिए तभी वो ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो कर सकता है वो सॉलिड मीडिया में भी ग्रो कर सकता है, लिक्विड मीडिया में भी कर सकता है या फिर टिश्यू कल्चर हम करते हैं तो उसमें भी ग्रो कर सकता है। मीडिया कौन कौन से यूज़ करते हैं हम इसके लिए, पर्टिकुलर मीडिया होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टीन पेप्टोन लीवर माल्टोस मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक इन्वेलप मीडिया भी हम यूज़ करते हैं, लेश सिस्टीन हाइड्रोलेसेट सीरम मीडिया भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मीडिया है किसके लिए, कौन कौन से मीडिया यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अदर टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, तो वेजाइना का पीएच हम चेक कर सकते हैं कि पीएच इंक्रीज है, क्योंकि नॉर्मल पीएच कितना होता है मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर विफ टेस्ट यानी कि हम उसकी ओडोर देखते हैं, उसमें गंध देखते हैं कि उसकी स्मेल जो है वो कैसे आ रही है, तो फिशी ओडर आती है, वो कैसे होगी कि हम क्या करेंगे, वो जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर हम KOH डालेंगे, क्या डालेंगे उसके ऊपर, KOH डालेंगे, KOH डालने के बाद अमाइन प्रोडक्शन के कारण उसकी फिशी ओडर आती है, ठीक है। फिशी गंध अगर उसके अंदर आती है तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो विफ टेस्ट ये सेंसिटिव नहीं है, इतना 100% श्योर नहीं है, बट फिर भी ये टेस्ट भी लगाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम, और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, थैंक यू।